चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं, निमसेट 22 ऑल इंडिया रैंक 54 कृतिका जैन, जो कि डबरा ग्वालियर के पास है, एमपी से हैं। तो कृतिका, सबसे पहले आपको 54 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके फैमिली के मेंबर्स को, सभी को। थैंक यू सर। तो कृतिका, आपने क्योंकि ये फाइनल ईयर के साथ रैंक अचीव किए, कई बार फाइनल ईयर के साथ हमारा मैनेजमेंट सही नहीं होता है, कई बच्चों को डर लगता है, तो मैं चाहूंगा कि जो आपकी सक्सेस जर्नी है वो आप डिटेल में बताएं, क्योंकि जब बच्चे इसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करते हैं और फिर उस ढंग से आगे का एक्शन लेते हैं। सर एक्चुअली जब सेकंड ईयर खत्म हुआ तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई कोर्स होता है, एग्जाम भी होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर जैसे थर्ड ईयर आया, फिर मेरे को सोचा कि मास्टर्स में करना क्या है, मैंने उसको फिर उसके बाद में रिसर्च किया, और कहीं ना कहीं कोडिंग में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने सोचा कि उसी का कुछ देखते हैं। तो फिर मैंने गूगल पर उसका सर्च किया, फिर मेरी किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि एमसीए का कोई कोर्स होता है और निमसेट कोई एग्जाम होता है, फिर मैंने उसका गूगल पर सर्च किया, और तो फिर मैंने सोचा हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसका मैंने सिलेबस देखा, मैथ्स में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये कर सकते हैं। बट ऐसे रिसर्च करते करते दिसंबर आ गया, पता ही नहीं चला, और फिर जनवरी से मैंने अच्छे से स्टार्ट किया। इतना कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ वगैरह सर्च किए, तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, जो 11th 12th की एनसीईआरटीज होती हैं, फिर मैंने वो किया कंप्लीट। उसके बाद फिर आपके इम्पीटस गुरुकुल की कई सारे वीडियोज चले थे, तो मेरा पूरा प्रेपरेशन उन्हीं वीडियोस से हुआ है, और फिर ऐसे ही मैं करती रही, और मैंने अरिहंत की एमसीए की जो कोर्स होता है फुल वाला वीडियो बुक यूज किया था, उसके क्वेश्चंस कर रही थी, बट कहीं ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हाँ हो जाएगा। तो मतलब मैं इतना सोच रही थी बस इतने मार्क्स आ जाएं कि कोई छोटा सा मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाए बस। बट फिर उसके बाद मैंने आपका मैजिकल कैप्सूल कोर्स का वो देखा था वीडियो, फिर मैंने कहा हाँ चलो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज आपकी मैंने मई में उसको ज्वाइन किया था, टाइम भी काफ़ी कम था, तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, अब तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, और जैसे जैसे मैंने टेस्ट दिए आगे के मतलब एकदम से कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि हाँ अब तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं तो कोई भी एनआईटी तो मिल ही जाएगा। तो वो कोर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और टेस्ट सीरीज में जैसे जैसे आप जो वीडियोस डालते जाते थे मैं उसको देखती थी, सारे वीडियोस देखती थी, और जैसा सर आप बोलते थे कि टेस्ट में मतलब उसको क्वेश्चंस चूज कर करके क्वेश्चंस करो, और तो एकदम वही मैंने टेस्ट में उसको स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के तो मेरे बहुत कम अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट फिर जैसा आप बोलते गए उसको एकदम फॉलो किया, तो फिर हाँ बहुत अच्छा, कई कई बार मेरे 700+ मार्क्स भी आए थे आपके टेस्ट में। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर हाँ उससे लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। तो आप जो टेस्ट सीरीज जब आप मतलब टेस्ट सीरीज में आपसे फिर टेस्ट जब देते थे तो पेपर के एनालिसिस पे कितना आपने वर्क किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो टेस्ट पेपर और उसके एनालिसिस, तो कई बच्चे पेपर एनालिसिस पे वर्क नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली जब मैंने टेस्ट सीरीज ली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा था कि कम से कम एक दिन में 3 टेस्ट तो दे ही दूंगी, लेकिन वो इवेल्युएशन में इतना टाइम लग जाता कि 2 से ज्यादा हो ही नहीं पाते थे एक दिन में टेस्ट, तो मैंने इवेल्युएशन में काफी ज्यादा टाइम यूज किया था, उसी की वजह से काफी हेल्प मिला था। जैसे आप बोलते थे तो मैंने एक टेस्ट को पहले तो एकदम जैसे एक टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद थोड़ा देख लिया क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है कहाँ, फिर उसको दोबारा से सारे क्वेश्चन देखे, और यहाँ तक कि एग्जाम के पहले भी मैंने टेस्ट देना बंद कर दिया था, और बाकी पुराने टेस्ट को ही दोबारा से देखा था कैसे क्या करा है, उससे काफी हेल्प मिली। तो टेस्ट पेपर से आपको बहुत हेल्प मिली और उसके एनालिसिस से फायदा हुआ, क्योंकि देखिए क्वांटिटी कितने टेस्ट देते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो टेस्ट दे रहे हैं उसको कितना अच्छे से एनालाइज किया, और उसपे काफी आपने मेहनत की कृतिका, इसलिए आपका कितना अच्छा रैंक आया। अब आप अच्छे मतलब एनआईटी या तो हो सकता है त्रिची या आप सूरतकल, इन दोनों एनआईटी में से कोई एक एनआईटी में पक्का जाने वाले हो। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस एनआईटी में जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करो, बेस्ट रिजल्ट दो, पॉइंटर मेंटेन रखो, आपका जो ये रिजल्ट है ये आगे तक बना रहे। थैंक यू सर। तो एक बार फिर से वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा आप आगे परफॉर्म करो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।